नमस्कार, मैं हूं अन्नू सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में कोरोना के मिले 180 नए मरीज, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 8,858। बिहार में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। अपडेट के अनुसार 180 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में आंकड़ा 8,858 हो गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, सुपौल और पश्चिमी चंपारण से नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच पीएमसीएच में चल रही है परीक्षा। कोरोना वायरस के जारी कहर के बीच पीएमसीएच में मेडिकल छात्रों की परीक्षाएं चल रही है। पीएमसीएच के प्राचार्य का कहना है कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करा ली जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया के 5 कर्मी निकले कोरोना पॉजिटिव, बेगूसराय में बैंक को किया गया सील। बेगूसराय में कोरोना का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। बेगूसराय पुलिस महकमे में कोरोना अटैक के बाद अब कोरोना का कहर बैंक कर्मियों पर टूट गया है। बैंक ऑफ इंडिया के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद बैंक को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बारात निकालने से पहले दुल्हा निकला कोरोना पॉजिटिव, ससुराल की जगह पहुंचा आइसोलेशन सेंटर। दूल्हे की बारात निकलने वाली थी, उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और दूल्हे को उठाकर ससुराल की जगह आइसोलेशन वार्ड पहुंचा दिया। दूल्हे का बारात निकलने से पहले ही रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गया था। यह मामला रोहतास जिले के रायपुर का है। लगातार हो रही बारिश से बढ़ने लगा बाढ़ का खतरा। बिहार और नेपाल में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई नदियों में उफान आ गया है। जिले से गुजरने वाली परमान नदी भी उफान के ऊपर बह रही है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी की खुली पोल, 500 लीटर सहित भट्टी को किया गया नष्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस को छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने वाले ठिकाने पर छापेमारी कर शराब को नष्ट किया गया। वहीं एक कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। यह मामला शहर के नगर थाना क्षेत्र स्थित सिकंदपुर का है, जहां कुंडल स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे शराब की मिनी फैक्ट्री चल रही थी। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो आज का सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बिहार में कितने जिले हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी 39। उम्मीद है आप सभी लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कल के क्विज में आप सब लोग सबसे पहले जवाब दे सके। 5 दिन के अंदर बने कोऑर्डिनेशन कमेटी, हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। महागठबंधन में अभिभावक है मांझी, सिर्फ नेतृत्व करेगा फैसला। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर राजद विधायक ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर पार्टी का सिर्फ नेतृत्व ही फैसला करेगा। महागठबंधन में मांझी अभिभावक की भूमिका में है, पार्टी उनका सम्मान करती है। यशवंत सिन्हा ने बिहार में बनाया थर्ड फ्रंट, बोले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ। पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में तीसरा फ्रंट बनाएंगे, राजनीति में मिलकर हम लोग एक पार्टी बनाएंगे, लेकिन यह भविष्य तय करेगा कि हम लोग पहले हैं या तीसरे। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार को बदलने में नीतीश सरकार फेल है। पति को छोड़ पूजा ने सहेली का थामा हाथ, दोनों सहेली के प्यार के आगे घरवाले हुए मजबूर। बिहार के बेगूसराय में शादी के 10 दिनों के बाद पति को छोड़ पत्नी पूजा ने अपनी सहेली सपना के साथ रहने का फैसला कर लिया। दोनों की जिद के आगे परिवार के लोग मजबूर हुए और दोनों को छोड़ दिया कि अपनी जिंदगी जिए। इसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ, लेकिन जीत आखिर में दोनों सहेली की हुई। नालंदा में बाइक और पिकअप वैन की टक्कर में एक की मौत। नालंदा के वेना में बाइक और पिकअप वैन की आमने सामने की टक्कर में एक युवा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई बुरी तरह से जख्मी हो गया। 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था जेडीयू विधायक का बेटा, 20 फीट गहरे गड्ढे में पलटी कार। बेगूसराय में एमएलए का बेटा 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, इस दौरान उसकी कार 20 फीट गहरे गड्ढे में पलट गई। हालांकि उसकी जान बच गई, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मामला मोकामा बाईपास का है। यह कार कोई और नहीं बल्कि मटिहानी से जदयू विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोबो का बेटा अमित कुमार चला रहा था। इस दुर्घटना में अमित कुमार और उनका एक साथी सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए।
चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न का सही जवाब जानने का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 11। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 10 ने जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले जिन्होंने जवाब दिए हैं वे हैं वरुण चिरानिया, उसके बाद है संजीव कुमार, सत्यम शिवम, रवि गुप्ता, अमित कुमार, सरफराज आलम, रोहित पंडित, नीतीश कुमार, अविनाश मानस, रविशंकर झा, रविशंकर। इनके अलावा बहुत से पाठकों ने सही जवाब दिया लेकिन समय के अभाव में हम उनका नाम नहीं ले पाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।